हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों के ही शेयर्स में। आज एक बहुत बड़ा भूचाल आया है, बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है, रॉकेट बन चुके हैं। 20% की तेजी नेटवर्क 18 ने दिखाई तो टीवी 18 भी 15% तक उछल गया था आज। और काफी बढ़िया रफ्तार दोनों ही शेयर्स ने पकड़ी है पिछले कुछ दिनों से। टीवी 18 तो भाई साहब इस तरीके से बढ़ रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेटवर्क 18 ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इसने भी पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया रफ्तार दिखाई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स में खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं नेटवर्क 18 की। 53 रुपीज का शेयर है, 20% का जंप यहाँ पर आया है। एक महीने में देखे तो 30% का ग्रोथ है, जबकि टीवी 18 ने एक महीने में जो ग्रोथ दिखाई है वो 23% की है। 36 रुपए के ऊपर था, तेजी बनी थी, थोड़ी सी गिरावट आई, तेजी बनी। एक महीने में दोनों ही शेयर्स अच्छे खासे रिटर्न दर्ज करा चुके हैं। एक साल में जहां नेटवर्क 18 में 62% का ग्रोथ है, वहीं टीवी 18 में भी अगर हम देखें तो 67-68% का ग्रोथ है। अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है बहुत ही कम वक्त में ये शेयर। अब आप देखिए, पिछले लगातार कुछ महीनों से शेयर डाउन ट्रेड में था, लेकिन अब सारी तेजी देखने को मिल चुकी है दोनों ही शेयर्स में। यहाँ पर अगर हम नेटवर्क 18 की बात करें तो 4,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप शेयर है। एनएसई में देखें तो 1,75,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में देखें तो 75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 3.81% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेटवर्क 18 की जो सीधे सीधे कंट्रोलिंग है वो मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस के पास इसकी कंट्रोलिंग है। नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों की जो होल्डिंग है, कंट्रोलिंग स्टेक है, वो मुकेश अंबानी की रिलायंस के पास है। टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात करें, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। अब देखिए, रेवेन्यू में बढ़िया उछाल था 2017-2018 के मुकाबले। 19-20 और 21 में हालांकि रेवेन्यू थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए अच्छे रेवेन्यू 19 और 20 में थे। 20 कोरोना का काल था, डेफिनेटली थोड़ा सा डिक्रीज यहाँ पर होना भी था, लेकिन 22 में डेफिनेटली एक बड़ी रफ्तार आप देख सकते हैं। प्रॉफिट भी देखे तो भैया 2021 भले ही रेवेन्यू में डिक्लाइन है, लेकिन 570 करोड़ का प्रॉफिट है। अब देखिए, पहले लॉस था 250 करोड़ का, फिर 175 करोड़ का लॉस, फिर 123 करोड़ का लॉस। 2020 के साल में 104 करोड़ का मुनाफा हुआ और 21 से 570 करोड़, 22 में और बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और भैया सबसे बड़े प्रमोटर यहाँ पर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज नेटवर्क 18 में। टीवी 18 अगर हम बात करें तो ये मिड कैप शेयर है, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखा जाए तो भैया इसका वॉल्यूम ट्रेड तकरीबन तकरीबन 9.25 करोड़ है। बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है टीवी 18 की, 60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर यहाँ पर है नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 यहाँ पर प्रमोटर है 51% से भी ज्यादा की होल्डिंग के साथ, एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। एफआईएस के पास 12.11% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में भैया गवर्नमेंट पेंशन फंड है, 3.27% की होल्डिंग गवर्नमेंट पेंशन फंड यहाँ पर ओन करते हैं। टीवी 18 टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं, और ज्यादा ऊपर जाने का शेयर में दमखम अभी भी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की, मतलब 86% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 14% लोग आपको बेच के निकलने की बातचीत भी यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए 19-20 के रेवेन्यू में एकदम से उछाल आया है, जहां 2017 में 1,000 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू था, 2018 में 1,500 करोड़ रहा, लेकिन 2019 और 20 में 5,000 करोड़ के रेवेन्यू रहे। 21 में रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन जरूर आया था, ठीक है 4,500 करोड़ का फिर भी था, लेकिन प्रॉफिट अगर हम देखें तो 2021 के प्रॉफिट शानदार है। अब देखिए 3 साल में किस तरीके से प्रॉफिट बढ़े हैं, 175 करोड़ का प्रॉफिट 2019, 375 करोड़ 2020, 685 करोड़ 2021,
ये प्रॉफिट है, ये रफ्तार है इस प्रॉफिट की, और आने वाले समय में ये रफ्तार और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम लोग अनलॉक के फेज में आ चुके हैं। अगर आपको पता हो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा ये अक्वायर करता है, वाईकॉम जो हम सब जानते हैं, कलर्स टीवी को मैनेज कर रही है, इवन कई सारी फिल्मों जो है उसको भी प्रोड्यूस करता है वाईकॉम। तो ये इन्हीं का है। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेंगे, अनलॉक के फेज में हम आएंगे, फिल्मों की शूटिंग शुरू होगी और वापस से बड़ी फिल्मों में ये इन्वेस्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और जो टीवी चैनल जो काफी सारी सीरियल्स है कलर्स की, अगर हम बात करें, ये भी इन्हीं की है। तो वहां पर जो शूटिंग अटकी हुई है वो वापस शुरू होगी, वापस से जो टीआरपी की गेम है वो दोबारा आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो कई सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो बुक माई शो वेबसाइट है, जहाँ से लोग टिकट बुक करते हैं और सिनेमा देखने जाते हैं, तो वो भी इन्हीं की है। तो नेटवर्क 18 का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो काफी बड़ा नेटवर्क है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले एक महीने में मैंने इसके ऊपर दो वीडियोस बनाए थे, जब ये शेयर काफी सस्ते कीमत के ऊपर अवेलेबल भी थे। और मैंने कहा था कि भाई साहब मौका है, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। जब ये शेयर 35 रुपए के करीब ट्रेड करा था नेटवर्क 18 का वीडियो बनाकर, मैंने कहा था कि बाइंग का मौका है, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन यहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर भागेगा और जिस दिन भागेगा किसी के पकड़ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए इससे पहले भी अगर हम देखें तो कोरोना काल में ये बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। देखिए 16 रुपए के ऊपर और 15 रुपए के ऊपर शेयर था, सीधा पहुंच गया था भाई साहब 50 तक। टूटा, तेजी आई, टूटा और एक बड़ी रफ्तार दोबारा से इसने पकड़ी है। टीवी 18 का भी यही हाल था, ठीक है, जब कोरोना काल आया था तो ये शेयर भी टूटा था, ठीक है, कहाँ पे था, 12 रुपए के ऊपर था, लेकिन ऐसी रफ्तार पकड़ी दोबारा इसने कि 40 रुपए के करीब पहुंच गया। बाद में लंबा समय बिताया लेकिन अब फिर से दौड़ गया है ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई सारे वीडियोस में बना चुका हूँ इस लेवल पर, और मैंने हमेशा कहा है कि मौके बनने वाले हैं, बेचने की गलती मत करना। अभी हाल फिलहाल में जब ये शेयर 30-32 पे था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी के मौके हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी खरीदारी की है तो यहाँ पर बने रहिए, ठीक है, बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर ये शेयर यहाँ से 5-6% तक टूटता है तब खरीदारी के मौके। नेटवर्क 18 अगर आपको 45 के करीब मिले, 45-50 रुपए के बीच में मिले, खरीदारी कर सकते हैं। टीवी 18 अगर आपको 45 रुपए से लेकर 40 के बीच में मिले तो आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। हर नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके हैं। अनलॉक के फेज में हम आने वाले हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो खुलने वाली है, और यहाँ पर आपको एक बड़ा अट्रैक्शन आता हुआ देखने को मिल भी सकता है। तो नजर रखिए, लंबी दूरी का गेम बनाइए यहाँ पर। मुकेश अंबानी के पास इनकी बागडोर है, हालांकि जो प्लान था इन नेटवर्क 18, टीवी 18, डेन नेटवर्क और हाथवे, इन चारों को मर्ज करने का, वो अभी कहीं कोने में चला गया है वो प्लान, और इम्प्लीमेंट अभी के लिए तो नहीं होने वाला है, लेकिन देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ओवरऑल आने वाले समय में इस कंपनी में भी आपको बड़े इन्वेस्टमेंट शायद देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए यहाँ पर, खरीदारी के मौके जो लेवल मैंने आपको बताया वहां पर जरूर है। और एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, गिरावट और तेजी चलती रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आया तो ये ऊपर ही जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा लेकिन दोबारा ऊपर जरूर जाएगा, ये बात भी तय है। तो टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी गलती मत कर लेना। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।